ओम शांति। आज की तारीख है 2/2/16 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक, कल की मीठी बात हमें बाबा याद दिला रहे हैं और आज का शीर्षक भी हमें कह रहा है कि हम सभी के जीवन की जो डोर है वो किसके हाथ में है। मीठे मीठे सदा कल्याणकारी शिव बाबा के हाथ में। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है, तुम्हारा कनेक्शन एक से है, तो एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ जोड़ती है, इसकी रसम अज्ञान में किस रीति से चलती है? उत्तर है, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर के रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव किसके साथ जोड़ा है, किसके साथ बांधा है? हर एक अपने दिल से जवाब दे। तो हम सब सजनियों ने अपने बाप को साजन बनाते हुए अपना बाप के साथ पल्लव जोड़ा है। तुम जानते हो, हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप द्वारा होगी। गीत भी ऐसा ही बजा है, जीवन डोर तुम्ही संग बांधी, क्या करेंगे तूफान और आंधी। हाँ, ये डोर इतनी मजबूत है कि माया कितनी भी आंधी लाए, कितने भी तूफान लाए, परंतु हमें बाबा से वो जुदा नहीं कर सकती। तो सभी ऐसे ही निश्चय बुद्धि हो ना। अच्छा, आगे सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार की, दो धारणा की बातें। नंबर एक है, अपने बुद्धि की रूहानी डोर और एक की ही श्रीमत पर चलना है। नंबर दो है, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, क्योंकि वो देवी देवताओं का कलम है, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रहे, विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विथ ऑनर भव। बाबा कहते हैं कि पास विथ ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाएं, तो अंदर में संकल्पों से भी सजा न खाएं। धर्मराज की सजाओं की बातें तो पीछे हैं, परंतु अपने संकल्पों की भी उलझन अथवा सजाओं से परे रहना, ये पास विथ ऑनर होने वालों की निशानी है। वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क की बात, ये तो मोटी बातें हैं, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, बाबा की श्रीमत हमें मिलती रहती है। तो ऐसी प्रतिज्ञा जब करो तब पास विथ ऑनर बनेंगे। स्लोगन है, ज्ञान गिरत और योग की बत्ती यानी लाइट या ज्योत ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का
रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।